नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नो योर सिटी। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। दर्शकों, जैसा भली भांति जानते हैं कि कल आपके अपने शहर रुड़की में नगर निगम के चुनाव हैं। दर्शकों, आप वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। इसके साथ ही एक और खास जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। वो जानकारी ये है कि इस बार का चुनाव ईवीएम मशीन का चुनाव नहीं है। ईवीएम मशीन के चुनाव में क्या होता है कि आप अपने बूथ पर जाते हैं, अपने कैंडिडेट के सिंबल के सामने आप बटन दबाते हैं, जिससे आपका वोट उस कैंडिडेट को चला जाता है। लेकिन नगर निगम का चुनाव बैलेट पेपर का चुनाव है। बैलेट पेपर के चुनाव में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं इस पेज पर, यहाँ पर आपके प्रत्याशी का नाम और उसका सिंबल होता है, तो उसके सामने आपको ठप्पा लगाना होता है। ठप्पा लगाने के बाद आपको पेज को इस तरह से फोल्ड करना होता है। इस तरह से फोल्ड क्यों करना होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सपोज़ आपका प्रत्याशी ए नंबर वाला है और उसका सिंबल रेक्टेंगल है, जैसा आप इस पेज पर देख रहे हैं, और अगर आप ठप्पा लगा के उसे ऐसे फोल्ड करते हैं, तो ऐसे फोल्ड करने पर आपका वोट अमान्य माना जाएगा, आपका वोट गिना ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा, क्योंकि नीचे जो और भी प्रत्याशी होंगे और उनके सिंबल्स यहाँ होंगे, तो उन पर ठप्पा लगने यानी स्याही लगी होने के कारण ऐसे फोल्ड होने पर वो स्याही आपके दूसरे प्रत्याशी पर भी जा सकती है, जिससे आपका वोट दो कैंडिडेट को जाएगा और दो कैंडिडेट को जाने के कारण आपका वोट मान्य नहीं होगा। तो दर्शकों, नो योर सिटी आपसे अपील करता है कि आप अपने वोट ध्यानपूर्वक डालें, अपने कैंडिडेट के सामने ठप्पा लगाकर पेज को इस तरह से फोल्ड करें, ताकि आपका वोट गिना जा सके, आपका वोट रद्द ना हो, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। दर्शकों, यह जानकारी आपके लिए थी। आपको जानकारी अच्छी लगी, इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नो योर सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।